इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी भावना मेरे दोष है इंस्पेक्टर साहब। अरे जो मेरी बीवी है मीनाक्षी, ये दुश्मनी निकाल रही है हमारे साथ। मेरी भावो बिल्कुल निर्दोष है, मेरी भगवान समान माँ है मेरी। इंस्पेक्टर साहब आप ऐसे लेके नहीं जा सकते होने यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब देखिए, सच और झूठ का फैसला कोर्ट में होता रहेगा। फिलहाल आप लोग हमें अपनी ड्यूटी करने से मत रोकिए, हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। नियम के अनुसार जब भी किसी औरत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट होता है तो उसे गिरफ्तार करने का अधिकार किसी महिला पुलिस का होता है, इसलिए आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। पांडे जी, थाने फोन करिए और जल्दी से एक महिला पुलिस को बुलवाइए, जल्दी जल्दी आइए। संतोष राठी, जिसने अपनी बहू को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तुम जैसी औरतें पता नहीं क्यों सासों का नाम बिगाड़ने में लगी हो। मैडम आप सच बता, क्या किया तूने अपने बहू के साथ? तुझे पता है ना हमें यहाँ किस बात की रोटी मिलती है? जो अपनी जुबान ना खोले उसकी जुबान खुलवाते हैं हम, समझी के ना? ये अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा ना हमें आता है। अमित जी, किसी भी तरह कुछ भी कर भाबो की बेल करवा दीजिए, उन पर लगे आरोप झूठे हैं। देखिए संध्या, मैं समझ रहा हूँ, चार्जशीट के मुताबिक आपकी भाबो पर आईपीसी सेक्शन 498A के तहत अपनी बहू से मारपीट करना और उसे प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया गया है, जो कि कानून की नजर में एक गहन अपराध है और ऐसे में बेल मिल पाना इतना आसान भी नहीं होता। देखिए संध्या, आप पढ़ी लिखी हैं और आप अच्छी तरह से समझती हैं कि प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के केसेस में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो 3 साल की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है संध्या, इसके पीछे कोई खास वजह? उनसे दहेज की कोई मांग की गई हो या ऐसा कुछ चल रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, उस दिन भी बात बढ़ गई और बहू पर हाथ उठा दिया। वैसे संध्या, तुझे नहीं लगता कि तेरी भाबो ये तकलीफ ये सजा डिजर्व करती है?